हाँ भाई, क्या हाल है? बड़ा आदमी हो गया साले तू, है यूएस वगैरह जा रहा है? अबे यार, गलती हो गई स्टेटस डाल के। सुबह से ना 20 फोन आ चुके हैं। अब तुझे कौन सा आईफोन चाहिए? मैं पागल है क्या? एयरपॉड्स चाहिए होंगे फिर। देखो, सीरियसली लगता है कि मैं 15,000 रुपए के एयरपॉड लूंगा, वो भी बिना वायर वाले। अबे लाजपत नगर, तू साले तंदूरी मोमो ही खाइयो लाइफ टाइम एक्स्ट्रा मेयोनीज के साथ। क्या टाइम था यार। अच्छा तू कब जा रहा तू यूएस? मैंने सोचा तू अब जा ही रहा तो एक बार बात कर लेता हूँ। तो भाई आ जा ना यार, घर आ जा यार, पैकिंग वैकिंग में मेरी हेल्प हो जाएगी। और कैसे, फोन पे बात करके क्या उखाड़ लेंगे? आ जा यार, फिर मैं जा रहा हूँ। नहीं ठीक है, मैं आ जाता हूँ। आ रहा है? चल सही है, चल सी यू। ओके बाय। और भाई क्या हाल है? लॉन्ग टाइम, काफी लंबा टाइम हो गया। हाँ, घर तो बढ़िया बनाया यार तूने। साले आज भी खाली हाथ आया? यार खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। क्या बात है, खाना ऑर्डर कर देता हूँ यार। भाई तू रहने दे, तू ऑर्डर करेगा तेरा क्रेडिट कार्ड फेल हो जाएगा और पैसे मुझे ही देने पड़ेंगे। भाई कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। अच्छा, तो वैसे तू क्या लेगा, चाय कॉफी ठंडा गरम कुछ तो ले ले यार। ज्यादा आइटम नहीं रख ले तूने। भाई तू ऑर्डर कर रहे है ना, तो ऐड कर लियो अपने लिए। और मेरे लिए कड़क ब्लैक टी। ब्लैक टी ना कड़वी होती है। कड़वी तो जिंदगी होती है दोस्त। तेरे इन घटिया ओवर एक्टिंग वाले डायलॉग की वजह से ना स्कूल में तेरे को सब जानते थे। वैसे ये यूएस का क्या चक्कर है भाई? यार भाई यूएस जा रहा हूँ, मस्त जॉब लग गई है, मस्त डॉलर में कमाएंगे और यहाँ की नेगेटिविटी से दूर। मेरे को एक्चुअली इंडिया में रहना ही नहीं था। ग्रीन कार्ड वाली स्कीम चल गई क्या? यार चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दे साले। भाई अगर सब कुछ सही रहा ना तो माँ के लिए एकदम मतलब कोरी चिट्टी लड़की ढूंढूंगा। सान्या का क्या हुआ? सान्या भाई खत्म हो गया सब कुछ। अगले महीने उसकी एंगेजमेंट है, 2 महीने से ब्रेकअप हो रखा है। तो तू इसी वजह से यूएस जा रहे है? यार देख, तेरे को तो मैं ऑनेस्टली सब कुछ बता सकता हूँ और मैंने बताने की कोशिश भी करी थी तुझे, बट शायद तू बिजी था। बट 2 महीने पहले मेरा और सान्या का ब्रेकअप हो गया और अगले महीने उसकी एंगेजमेंट है, सब कुछ फिक्स हो चुका है और मेरा इधर रहना ठीक ही नहीं है भाई। मतलब तू डर के जा रहा है? बेसिकली मतलब ये हर बार की कहानी है ना, हर बार जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तू फट जाती है तेरी और तू निकल जाता है, डरता है भाग जाता है, किसी भी प्रॉब्लम को खड़े होकर फेस नहीं करता है। अबे खड़े होकर फेस करना, प्रॉब्लम को फेस नहीं करेगा तो सॉल्व कैसे होगी भाई? भागना इज नॉट द सॉल्यूशन भाई। तू पीटी उषा थोड़ी है जो जब देखा भाग लिया। 100 मीटर की रेस नहीं है ब्रो, ये रिले है, लंबी चलती है। और वैसे भी तू यार, तेरा प्रॉब्लम ही है ना यार, जब भी कुछ हल्का सा भी रिपल सा आता है ना तेरी फट जाती है, तू चेंज कर देता है। कहीं पे कुछ बवाल हुआ नहीं और तू भाग गया। क्लास 2 के अंदर जब फर्स्ट टाइम तेरे को अलीशा मिली थी, उसने तेरे को हाय किया और तू बाय करके निकल गया। है तेरे को जब थिएटर क्लास में तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तूने भाई स्कूल चेंज कर दिया। बीकॉम के एग्जाम में तेरे को पसंद नहीं आया कोर्स तो भाई तूने बीए कर लिया। अरे भाई लाइफ में भागता रहेगा तो ऐसे कैसे चलेगा? परफेक्ट नहीं होती भाई किसी की लाइफ, परफेक्ट बनानी पड़ती है, ये भूल जाता है तू। भाई तूने बना ली अपनी लाइफ परफेक्ट और तू मुझे क्या ज्ञान दे रहा है भाई? देखो क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं करी इससे मूव ऑन करने के लिए? भाई सान्या के साथ ना मैं 7 साल से था, तेरे को पता है 7 साल, और मैंने अपने 7 साल ना उसके साथ इन्वेस्ट करे हैं। 2 महीने मैं एंटी डिप्रेसेंट पिल्स पे था, मैंने तुझे बहुत बार कॉल किया, तूने साले मेरा फ़ोन तक नहीं उठाया। ठीक है, एक दोस्त था मेरा तू स्कूल का, फेसबुक से चेक करके तू मेरे घर आया मुझसे मिलने, तो तू मुझे मत बोल। भाई मेरा ऑफिस चल रहा था, प्रमोशन चल रहा था, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो इतनी बुरी हालत में था, कस्टम्स का इशू करना। भाई तू अपने बोनस का इशू सॉल्व करना, भेंचोद ग्रेच्युटी कमाना ऑफिस में जाके, तो अभी क्यों इन्वॉल्व हो रहा है इन सबके बीच में? मैं जा रहा हूँ ना यूएस, अपने लिए कर रहा हूँ ना सब कुछ ठीक में। क्योंकि तू भाग रहा है तो अब मुझे मत सिखाना मुझे नहीं भागना चाहिए। जब मुझे तेरी जरूरत थी ना भाई तब तू नहीं था यहाँ पे। और हाँ तू छोड़ मेरे लिए क्या रहेगा साले, तूने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया आज तक, और तू मुझे सिखाएगा क्या करना था तुझे, याद है तुझे? चल फ्लैशबैक में चलते हैं। क्लास 8 में ना तू स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था और साले 250 लोग खड़े होकर चिल्ला रहे थे चंदन वंस मोर, चंदन वंस मोर। और तूने क्या बोला था एंड में स्पीच में? वन डे यू विल सी मी ऑन टीवी, आई विल बिकम अ गुड एक्टर। भाई कपिल देव ने ना एनुअल डे पे तेरे लिए सीटियां बजाई थी और तेरी तरफ देख रहा था वो, क्योंकि साले उसको भी कॉन्फिडेंस था कि एक दिन तू बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। और उसको छोड़ तेरी ब्लैक में टिकटें बेची यार मैंने, कैंटीन के समोसे और लेमोनेड ना तेरी परफॉर्मेंसेस से बेच के निकाले हैं। मैं तो भाई बन जाता ना तेरा मैनेजर, हो जाता तू एक्टर, मेरी नौकरी और मेरी पढ़ाई काम आ जाती उसमें। हो गया?
नहीं कर ली बेइज्जती, मतलब मुझे तो तूने बेइज्जती करने के लिए बुलाया था। भाई देख, तू मुझे सिखा रहा था कि मैं अपनी लाइफ को ठीक से नहीं जी रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं देख सकता तुझे ऐसे यार। मैं देख सकता हूँ तुझे ऐसे, मेरे को सही लग रहा है तू ये करते हुए। मैं तेरे को कितने टाइम से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बट तू समझता नहीं है। हर दफा बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये है वो है, बट भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे भाग सकते हो। लेकिन तू क्यों भाग रहा है? तू ही तो इकलौता आदमी जिसको देख के मुझे लगता था कि हाँ भाई ये आदमी है जो साला सही जी रहा है। अबे तुझे देख के मैं मम्मी को एग्जाम्पल दिया करता था यार कि मम्मी मेरे से नहीं होती पढ़ाई, मुझे मत करने दो, क्योंकि तूने बीए ले ली, क्योंकि तुझसे नहीं होता था तू बिंदास जीता था, और आज तू एक लड़की में से भाग के जा रहा है यार। बट भाई मैं क्या करूं यार, मैं उसके चक्कर में यहाँ पे नहीं रह सकता था भाई, मेरे को दिल्ली ना काटने लग गया था। तो चल ना, चलते हैं अभी। बेटे मैं एक बात बोलूं, दूसरों को कहना ना कि उनकी लाइफ उनके हिसाब से नहीं चल रही बहुत आसान है। तू अपने लिए क्या चेंज कर सकता है वो बताना। तूने कोई लिया है रिस्क? ले सकता है तू रिस्क? भाई ठीक है, मैं तो फट्टू हूं बेंचो, नहीं ले सकता रिस्क। रिस्क नहीं लेगा तो कैसे होगा भाई? साले स्पाइडरमैन भी जब निकलता है ना रोज घर से बाहर, जब बिल्डिंगों पे कूदता है, अगर उसके जाले खत्म हो गए तो रिस्क तो वो भी लेता है ना। हम स्पाइडरमैन है भाई। भाई तू स्पाइडरमैन नहीं है, लेकिन तू मेरा भाई है। मुझे पता है कि तू अगर चाहे तो अभी भी सान्या के साथ तो चीजें ठीक कर सकता है। बट भाई एक बात बता, आसान है क्या ऐसी मोहब्बत करना जिसके बदले मोहब्बत ना मिले? बट इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड ना। यही बहन चो, तू शाहरुख है यार। शाहरुख ऐसा नहीं है। तू मेरा शाहरुख है यार। यार तू कब नौकरी छोड़ेगा भाई? मैं तेरे को बोलते हुए आई थिंक 7 या 8 साल हो गए हैं हमको स्कूल से निकले हुए। मैं तब से तेरे को, और शायद मेरे को लगता है तू मेरा इसी वजह से फोन नहीं उठाता है, क्योंकि मैं तेरे को हमेशा बोलता हूँ भाई तू क्या कर रहा है यार, निकल वहां से, तू फंस गया है भाई। छोड़ देता हूँ ना यार। छोड़ दे, तू रेडी है छोड़ने के लिए? लेकिन पहले साने के घर चलते हैं। भाई बहुत लेट हो गया है साने के घर के लिए। 3:30 बज रहे हैं, लेट नहीं हुआ, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। भाई अभी लेट नहीं हुआ, लाइफ में लेट हुआ। लाइफ में लेट कभी नहीं होता। अगले महीने एंगेजमेंट है उसकी। अपनी लाइफ है, वापस स्टार्ट कर लेते हैं। कॉलेज में नहीं है हम, 27 साल के लौंडे हुए हैं, लोगों की शादियां हो रही है। मैं अभी भी 26 का हूं। अबे तू ना 30 साल की उम्र में भी 26 का ही रहेगा साले, ठीक है? लोगों की शादियां हो रही है भाई, और हम ये लड़कियों के घर के नीचे जाके ना ड्रामे नहीं कर सकते। तेरी बॉलीवुड फिल्म नहीं चल रही है भाई, तेरी वजह से डायलॉग में बोलना चाहिए। बॉलीवुड फिल्म हमारी लाइफों से बनती है यार। बट भाई रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क होता है। तो बनाते हैं ना फिर, सेम करते हैं। तू नौकरी छोड़ेगा, मैं साने घर चलूंगा, ठीक है? मैं छोड़ देता हूँ। पक्का? पैक्ट हो गया भाई तेरा और मेरा, डिसाइड कर ले। रेजिग्नेशन डाल रहा हूँ। सुबह डाल दियो भाई, सुबह डाल। नहीं अभी डाल देता हूँ ना यार। चल अभी डाल, फिर डाल रेजिग्नेशन, अभी चल रहा है साने घर। सुबह डाल देता हूँ, लेकिन मैं ये छोड़ के मैं स्टैंड अप कर लूंगा भाई, मैंने सोच लिया। भाई देख फीलिंग्स में इतना मत बह, स्टैंड अप की तरफ मत जा, तेरे बस की नहीं है स्टैंड अप। क्यों तेरे बस की है वो करना यार, एक्टिंग कर ले। स्टैंड अप आई थिंक मेरे लिए बेस्ट है, मैं फनी हूँ ब्रो, फनी हूँ, वहाँ पे जाऊँगा तो आराम से सॉर्टेड है ना। अच्छा तू फनी है? ऑफ कोर्स, मम्मी मेरी बोलती है भाई मैं बहुत फनी हूँ। बेटा मम्मी मेरी कहती है मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, तेरे को मैं ब्यूटीफुल लग रहा हूँ कहीं से? बीच तो है। तो साले मम्मी की बातों पर नहीं आ जाता। मम्मी तेरे को आज तक बोलती है तू सही कपड़े खरीद के पहनता है। देखे तूने अपने कपड़े, ड्रेसिंग सेंस में कुछ कर भाई। भाई मैं सही कपड़े पहनता हूँ। बट भाई अगर क्यूट, अगर तू कल नौकरी छोड़ रहा है तो एक काम डिसाइड करे। बोल। अमेरिका चलते हैं भाई, टिकट बनी हुई है दूसरे के पैसे में, वहां जाके नौकरी छोड़ दूंगा, बैचलर हो जाएगा साले। अगर सान्या ने हाँ बोल दी तो हमारा बैचलर प्लान हो जाएगा। सही बात है। वेगस, लास वेगस। ओ भाई साहब, स्ट्रिप क्लब। ये सही है यार। और मतलब अगर हम मायामी जा रहे हैं तो मतलब भाई वेगस और मायामी ढूंढ सकता हूँ। भाई तेरा भी श्री गणेश हो जाएगा, गुल्लक फूटेगी भाई की। हाँ मतलब that would be nice. तू टिकट बुक कर ले फिर। मैं टिकट बुक कर दूँ, अभी नीचे चलते हैं खाने के लिए, फिर जाते हैं सान्या के पास, ठीक है? और हाँ, पहले गोलगप्पे खा लेते हैं फिर सान्या के पास चलते हैं। आई थिंक गोलगप्पे इज अ गुड आइडिया। बट यार सान्या के पेरेंट्स छोड़ना माखियाँ, देख लेंगे। हाँ हाँ चल नीचे चलते हैं, देखते हैं। ये तेरा पोस्टर क्या लगा हुआ है? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों ये लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट भी करो, राइट? क्या हो गया तुझे? चले फिर, जस्ट लाइक दैट। तो गाइस टोटल इंडियन ड्रामा को सब्सक्राइब करो अभी, एंड हाँ हम लोग चलते हैं वेगस वगैरह घूम के आते हैं ना। आप भी रोमांच चाहिए? थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो यार, बाय।